किधर जा रहे हैं? आप उन लोगों के साथ तो नहीं खड़े हैं जिन्होंने आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए खत भी ना लिखा? आप कहीं उन लोगों के साथ तो नहीं खड़े हैं जिन लोगों ने इस वतन के गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया? कहीं आप पनामा के चोरों के साथ तो नहीं खड़े हैं? कहीं आप वतन की जनाब आला दौलतें लूट के बाहर की बैंकों में रखने वाले, इस धरती के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले उन बदमाशों के साथ तो नहीं खड़े? कहीं आप उनके साथ तो नहीं खड़े जिस साबिक वजीर आजम की बेटी की होंठों की सुर्खी 35,000 की आए और इसी वतन के गुजरात के कुर्ब में एक अस्पताल के बाहर एक गरीब अपनी दो दो बेटियां 32,000 में बेच के चला जाए कि मेरी बीवी के इलाज के लिए पैसे नहीं, कोई ऐसा हो जो मेरी बेटियां खरीद ले बदले में मेरी बीवी की दवाई के पैसे दे दे। ओ मुसलमानों, कहीं आप उन बदमाशों के साथ तो नहीं खड़े हुए जिनके कुत्तों का इलाज भी इंग्लैंड में हो लेकिन उसके वतन के बासी अस्पतालों में धक्के खाते रहे? कहीं आप उन बदमाशों के लिए तो नहीं जा रहे जिन्होंने थर के लुटते पिटते और रुसवाते दर बदर मांगते गरीबों को देखकर फिर भी अपना तर्ज जिंदगी न बदला? यार थर में तो माओ के बच्चे झोली में मर गए, किसी ने एक फीडर दूध देना भी गवारा ना किया और नवाज शरीफ के रायमेंट के महल्लात के अंदर इसके कुत्तों को खालिस खुराके दी जाए? नवाज शरीफ के बाग के अंदर परिंदों को मेवे खिलाए जाए और किसी माँ का बेटा उसकी गोद में रोते रोते आखिरी हिचकियां लेते खामोश हो जाए? कोई उसको एक वक्त की खुराक देने वाला ना हो, वो बीमार पड़े तो एस्प्रो देने वाला ना हो, उसे प्यास लगे तो साफ पानी देने वाला ना हो और साबिक वजीर आजम की घड़ी 65 लाख की हो, उसकी 2.5 लाख रुपए की हो, एक टाइम के वजीरों का खाना 36 लाख का हो। कहीं आप उन बदमाशों के लिए अपनी पर्ची दे के अपनी आखिरत गंदी